कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था मुझे बता दीजिए आप। मेरा आपने कल उसके टाइप्स बता दिए थे वो इन इसमें एक बंदा होता है सेलर, अपन ने उसको मान लिया, एक हो गया परचेजर, उसको मान लिया बाई, थर्ड पार्टी हो गई थी उसमें मिली थी अपन को बैंक, और एक मेरा था थर्ड पार्टी नोन एज जेड। ये चार लोग होते हैं डेट ऑफ एक्सचेंज, एक सेलर, एक परचेजर, ठीक है, एक बैंक और एक थर्ड पार्टी, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा, मैंने आपसे बोला था कि जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, डेप्रिसिएशन की तरह पैराग्राफ लिखा होगा। अब उस पैराग्राफ में आपको फुल स्टॉप में रुकना है, हर फुल स्टॉप में आपको एक शब्द ढूंढना है, हर फुल स्टॉप में क्या ढूंढना है, एक शब्द मिलेगा। बुक बंद कर दो, बुक की कोई जरूरत नहीं, जब क्वेश्चन जाएंगे तो ऊपर बुक का यूज कर दिया। अभी आप क्वेश्चन को करने का तरीका पकड़ो, अब क्वेश्चन क्या लिखा होगा, जस्ट लिखा होगा ए एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, या मोहित सोल्ड गुड्स टू नरेंद्र, या राम सोल्ड गुड्स टू श्याम। सेंटेंस पकड़ना है, पहला सेंटेंस क्या लिखा है, जैसे लेफ्ट सिस्टम में क्या लिखा होता था, एक्स वाई जेड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 5 जनवरी 2016 फॉर रुपीज 20,000। हम पूरा सेंटेंस को पकड़ देंगे, इसमें भी सेंटेंस पकड़ेंगे। पहला सेंटेंस कह रहा है X sold goods to Y, X ने Y को सामान बेचा, ठीक। यहाँ पे हमको वो वर्ड ढूंढना है, वो दैट इज नंबर वन सेल या सोल्ड, वर्ड मिला, ठीक। अब बताओ दिमाग लगाओ, सिंपल सा भाई बंदा, रिसीवर गिवर कम गो एक्सपेंस वाई को सामान बेचा, और रिसीवर कौन हुआ, यहाँ पे वाई हुआ आया ना, और गिवर कौन हुआ, एक्स। एक्स अपनी बुक में ही अपना नाम नहीं लिखे, अब एक्स के पास कुछ आया, लिखा है क्या, सेंटेंस क्या था, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, कहीं कैश लिखा है, यानी कैश नहीं हुआ, ना पैसा आया ना पैसा गया, यानी कम वाला कोई काम ही नहीं। व्हाट गो, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स आप एक्स हो, एक्स बन के सोचो, आपने गुड्स बेचा वाई को, आपके पॉकेट से क्या गया, उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, आप ये बात समझ में आई है, फिर से बोलता हूँ, सेंटेंस क्या लिखा था, एक्स यानी आपने बेचा गुड्स वाई को, अब आप सोचो रिसीवर कौन, उस लाइन में पढ़ो, रिसीवर मीन्स इसको सामान मिला, वाई को मिला, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, रिसीवर कौन हुआ, वाई, गिवर कौन है, हम, क्या हम बेच रहे हैं, अपना नाम हमको लिखना नहीं कहीं भी। अब व्हाट कम, हमारे पास कुछ आया, सेंटेंस पढ़ो, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, आपके दिमाग में कैश वर्ड आ रहा है लेकिन कैश लिखा नहीं। व्हाट गो, गुड्स जो जाता है तो सेल्स, और गुड्स आता है तो परचेज, सामान गया तो आपने बेचा, सामान आया यानी आपने खरीदा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये एंट्री बनी पहली लाइन, दूसरी लाइन में लिखा होगा, जैसे
अच्छा आपने मान लो 10,000 का सामान बेचा, अब उसमें लिखा होगा 2,000 कैश पेड बाय वाई या 2,000 कैश रिसीव, 2,000 कैश मिला, दूसरी लाइन क्वेश्चन में लिखी हो 2,000 कैश रिसीव या 2,000 पेड बाय वाई या 2,000 गिवन बाय वाई, आपको 2,000 कैश मिला, रिसीवर कौन, किसको पैसा मिला? नहीं बोल रही थी, बोलो ना जोर से। ये अभी किसकी बुक बना रहे हैं? टैक्स। टैक्स कौन है? सेलर, यानी बेचने वाला। यू आर सेलर। आपने वाई को गुड पर बेचा, आपको क्या मिला? व्हाट यू रिसीव? आपने वाई को सामान बेचा तो आपको क्या मिला? कैश। पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, पहला सेंटेंस क्या लिखा था? X sold goods to Y. X ने Y को सामान बेचा। X कौन है? आप। तो बार बार ये चीज बोलूंगा, आपसे एंट्री तभी बनेगी जब आप बिजनेसमैन बनके सोचोगे। कोई नाम रखते हैं, नाम लिखे राम और श्याम, चलेगा मेरे को? अब चलेगा? राम ने श्याम को सामान बेचा, अब राम यहाँ पे कौन है मालूम है? आप अपने आप को राम मानो। आपने श्याम को सामान बेचा, अब रिसीवर कौन? रिसीवर का मतलब किसको सामान मिला? श्याम। यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा? क्योंकि रिसीवर को कहाँ लिखते हैं? रिसीवर को कहाँ लिखते हैं? डी आर। जगह से नहीं, जगह से लड़ने ये है सर, एक तो स्कूल निकाल दो यार, उठो भाई, अरे वहीं पे बैठा था, उसको उठाया गया यार, अरे तू वहीं पे बैठा भाई, तेरे क्या दिक्कत है? जल्दी 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 देख ले, अब इतनी जगह बुक कर लिया, जा जा जाने वाला है ना, देख इसको जगह अपने मन में चाहिए, टाइम पे वहां बैठना है, देखा तो मोरा का टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे मैं टाइम पे आना चाहिए, मम्मी का मुझे उससे मतलब नहीं, आप टाइम पे नहीं है इसका मतलब आपको ये मिलेगा राज सर, अपनी यहां पाइन रख के लाओ भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूं, कल से अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो इसमें बैठेंगे, जगह में कोई एडजस्टमेंट नहीं, बीच में बैठा दिया, मुझे मतलब उससे मतलब नहीं, आप लोग भाई हैं, तुम लोग इस मत करो, टाइम पे आओ, जगह पे बैठो, अदरवाइज स्कूल जिंदाबाद, चलो ध्यान दो, राम क्या बनना पड़ेगा? राम। राम ने किसको सामान बेचा? श्याम को। अब आपके तीन वर्ड हैं, ध्यान देना, रिसीवर, गिवर, कम, गो, एक्सपेंड, इनकम, ये है डेबिट का साइड और ये है क्रेडिट का, तो जिसको एंट्री में प्रॉब्लम थी उसको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं थोड़ा डीप पे चल रहा हूँ ताकि एंट्री भी समझ में आ जाए, आपके जर्नल एंट्री के दो कॉलम होते हैं, ध्यान से समझना, ये डी आर और एक सी आर, ये डेबिट का साइड हो गया, ये क्रेडिट का। अब सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? राम ने श्याम को सामान बेचा, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, ठीक। अब रिसीवर मतलब पाने वाला, सामान किसको मिल रहा है? सेंटेंस को पढ़ो, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, सामान किसको मिला? श्याम। श्याम को, श्याम का नाम रिसीवर है, नहीं डीआर में लिखेंगे, लिख दिया श्याम। अब गिवर को मना, किसने सामान बेचा? राम। राम ने, और राम की बुक में ही राम का नाम नहीं लिखा जाएगा, क्यों? अभी आप अपने घर जाओगे, बेल बजाओगे, अंदर से आवाज आएगी, कौन? नाम बताओ भैया? नहीं बोलो, मैं हम अपने ही घर में अपना नाम नहीं बताते, अब ये किसकी बुक है? राम की। राम अपनी ही बुक में अपना नाम क्यों लिखेगा? ठीक, व्हाट कम, राम के पास कुछ आया, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम,
राम ने श्याम को सामान बेचा, पैसा आया, पैसा लिखा है क्या, कैश आया नहीं सर, नहीं कुछ नहीं है। व्हाट गो गुड्स, गुड गुड्स, गुड्स के लिए हम यहाँ पर गुड्स वर्ड नहीं लिखते। गुड्स के पांच अकाउंट होते हैं, गुड्स के पांच टुकड़े हो जाते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। ये गुड्स के पांच टुकड़े हैं। तो जब आप गुड्स आ रहा है तो परचेज, जा रहा है तो सेल। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, साफ साफ लिखा ना सोल्ड, यहाँ गुड्स की जगह वर्ड क्या आएगा, दूसरी लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में, कैश रिसीव फ्रॉम हिम, हिम यानी राम ने लिखा लाइन कि हमको कैश मिला, तो राम को कैश कौन देगा, श्याम देगा, क्योंकि श्याम को सामान आपने बेचा है। अगेन रिसीवर कौन, पैसा किसको मिला, राम, राम पैसा किसको मिलेगा, जो सामान बेचेगा कि जो सामान खरीदेगा, जो बेचेगा, राम बेच रहा तो राम को पैसे मिले। गिवर कौन, पैसे किसने दिए, श्याम ने, श्याम ने। और गिवर को कहाँ लिखते हैं, सीआर, ध्यान देना आपके पास एंट्री का ये प्रोफार्मा है, एक नाम बीआर में एक नाम सीआर में लिखना है। गिवर कौन है, श्याम, श्याम। गिवर को कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में, तो हमने यहाँ लिख दिया श्याम। अब आया क्या, व्हाट, कब आपके पास क्या आया, एज अ राम, सेंटेंस क्या लिखा था, कैश रिसीव फ्रॉम हिम, कैश मिला श्याम से, क्या आया, पैसा आता है तो कहाँ लिखते हैं, डीआर, डीआर लिख दिया डीआर में। देखो एक चीज फिर से बोल रहा हूँ, अब काफी लोग जो है नए हैं, ध्यान रखो बेटा, अगर आप बोलोगे भी मन में रखोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, अंदर का डर बाहर नहीं है, बोलना पड़ेगा, मैक्सिमम क्या होगा गलत, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, सीधी बात। और इस बात की भी 100% गारंटी देता हूँ, जितने यहाँ बैठे हैं नहीं, जितने तुम्हारे स्कूल में बैठते हैं तुम्हारे साथ, उनमें से एक या दो को छोड़कर आपके साथ अगले कॉलेज में कोई पहुंचने वाला नहीं, सब दूसरे दूसरे कॉलेज चले जाने, और जिनके चक्कर में आप बोलते नहीं कि हमारी बेइज्जती हो जाए, किसके सामने इज्जत और किसके सामने बेइज्जती, जिसके साथ आगे रहने नहीं, आप अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं ना बोलो, सिंपल सा लॉजिक। चलिए दूसरा सेंटेंस ये मिला, तीसरा सेंटेंस जो मिलेगा क्वेश्चन में वो है, सेंटेंस मिलेगा एक्सेप्टेंस, ध्यान से समझना क्या लिखा होगा, पहली लाइन क्या लिखी थी, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, दूसरा सेंटेंस कैश रिसीव फ्रॉम हिम, तीसरा सेंटेंस राम, ध्यान से समझना, राम राइट अ बिल सेंड टू श्याम एंड श्याम एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू, पूरा सेंटेंस क्या था, राम ने बिल लिखा, श्याम को भेजा, श्याम ने साइन करके बिल आपको दे दिया, है ना। तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या आया, आपके पास आया बिल, और आपके लिए गिवर कौन है, इस पूरे सेंटेंस में क्या लिखा था, राम ने बिल लिखा, श्याम को दिया, श्याम ने साइन किया, आपको वापस किया, वही सेंटेंस जोड़ो, रिसीवर कौन है, बिल किसके पास आया, आपके पास, श्याम के, आप कौन है, राम, गिवर कौन है, बिल किसने दिया आपको, साइन करके, राम, श्याम के साथ, साइन करके किसने दिया, श्याम, श्याम, गिवर को कहाँ लिखते हैं, सीआर में, लिख दिया श्याम, आपके पास क्या आया, पैसा, बिल, हाँ बिल आया, बातें करनी बात है, जाओ बात, राम ने बिल भेजा श्याम को, श्याम ने साइन किया और उसको आपको वापस किया, व्हाट कम, बिल, जो आता है उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जब आपके पास सामान बेचा, कुछ कैश मिला, बचे हुए पैसे का बिल बना, कल मैंने कहानी बताई, यस सर। अब आपके पास तीसरी कंडीशन है पेमेंट,
यूपीआई नेट बैंकिंग कैश जीपे सारी चीज पढ़ेंगे यूज ऑफ बिल अब आप बिल का कर क्या सकते हो ध्यान से समझना पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ तीन सेंटेंस मिले तीन एंट्रियां हुई नहीं दिक्कत पैराग्राफ में लिखा होगा एंट्री अब आपको एंट्री में कन्वर्ट करके आपको जर्नल एंट्री का कॉलम बना के करना जर्नल एंट्री का कॉलम था डायरेक्ट पर्टिकुलर एलएफबी बीआरसीआर करना उसमें बट वो होगी कैसे पहले वो तो समझ में आए क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर राज करेंगे चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं चलिए ध्यान देते हैं तीसरा है यूज ऑफ बेल तो पहला है नहीं बना बिल अगर आपके पास है यहाँ से बिल आपके पास आया तो उस कंडीशन में कोई एंट्री नहीं होगा आप अपने पास रखे रहोगे इंतजार करोगे दो महीने बाद तीन महीने बाद जब का बिल होगा मैंने आपको बताया था कि बिल दो महीने का तीन महीने का चार महीने का हो सकता है साल का हो सकता है हम चार महीने बाद पैसा देंगे छह महीने बाद पैसा देंगे अगर बिल आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बिल अगर तुमने भेज दिया किसके पास बैंक के पास बात ध्यान से समझ लीजिए बिल कहाँ चला गया बैंक के पास तब क्या होगा अगर आपने बिल बैंक को दिया यानी सेंटेंस लिखा होगा राम डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक वर्ड क्या मिला बैंक या दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है डिस्काउंटेड ये दो में से कोई एक शब्द मिलेगा उस सेंटेंस में चौथे सेंटेंस राम डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक या राम सेंड द बिल टू बैंक अब बिल तुमने बैंक को दे दिया यू आर राम ध्यान रखना अब राम की बुक एंट्री कर रहे हो तो आप राम की रोल में काम करो आपने बिल किसको दे दिया बैंक को बैंक ठीक तो रिसीवर कौन श्याम सेंटेंस क्या लिखा हुआ है बैंक बिल गिवन टू बैंक या बिल डिस्काउंटेड विद बैंक इस लाइन में रिसीवर मतलब पाने वाला बैंक वो बिल किसको मिल रहा है बैंक बैंक और रिसीवर को हम कहां लिखते हैं डीआर मैंने लिखा बैंक अकाउंट डीआर गिवर कौन है बिल किसने दिया बैंक को राम ने अपना नाम लिखना नहीं आपने दिया भाई साहब राम ने एंड व्हाट कम तुम्हारे पास कुछ आया तुमने बिल केवल बैंक को दिया आपके पास कुछ नहीं आया बैंक के पास क्या एंड व्हाट गो तुम्हारे पास से क्या चला गया पैसा चेक बिल बिल पूरा चेक क्या लिखा था सेंटेंस देखो अगर आप बोल रहे हो ना तो उसका एक तरीका ये होता है जो मैंने बोला हु इज व्हाट गो तो सेंटेंस बोला ना उस सेंटेंस को पढ़ो आंसर मिलेगा मैंने क्या बोला बिल सेंट टू बैंक बिल डिस्काउंटेड विद बैंक दोनों कोई एक ही से दो में से एक सेंटेंस मिलेगा बिल बैंक को दिया या बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया तो तुम्हारे पास से क्या गया बिल यहाँ व्हाट को बिल लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना बैंक आपको मैंने आपको बोला था बैंक जब आपको पैसे देगा तो कुछ कम पैसे दो पैसे नहीं देगा कुछ पैसे काट लेगा कुछ परसेंट दैट अमाउंट इज नोन एज डिस्काउंट और मैंने एक चीज आपको जनरल एंट्री में सिखाई थी कि डिस्काउंट जो होता है जिस तरफ कैश लिखा होगा या जिस तरफ बैंक लिखा होगा अगर कैश या बैंक डीआर में है तो डिस्काउंट भी डीआर में जाएगा और कैश या बैंक अगर सीआर में है डिस्काउंट तो डिस्काउंट उसके साथ चला जाएगा डिस्काउंट कभी भी जब भी जाएगा तो कैश या बैंक की तरफ ही होगा कैश अगर डीआर में है ना तो डिस्काउंट तुमको डीआर में ही मिलेगा और अगर कैश सीआर में है तो डिस्काउंट भी सीआर में इसमें ये समझ लो कि माँ बेटे का रिश्ता है इससे पीछे बाकी का माता रही कैश मम्मी है डिस्काउंट उसका लगता है उससे पीछे पीछे उसको घूमना है सीधा सा लॉजिक ठीक है ना ये हो गया बिल कहाँ चला गया ध्यान से समझना बैंक के पास
अब तीसरा ऑप्शन है कि बिल आपने किसको दे दिया, ये वर्ड मिलेगा इंडोर। क्या मिल सकता है? राम इंडोर दिस बिल टू गोपाल। राम ने ये बिल किसको दे दिया? इंडोर्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको बड़ा कठिन शब्द है, स्थानांतरण। यानी हमने जो बिल मुझे इससे मिला था वो बिल मैंने थर्ड पार्टी गोपाल को दे दिया, थर्ड पार्टी बिल मैंने थर्ड पर्सन को दे दिया। अगेन रिसीवर कौन, किसके पास बिल गया? गोपाल, गोपाल के पास। गोपाल को कहां लिखेंगे? डीआर में। एंड व्हाट गो, हमारे पास से क्या गया? बिल। दीज आर द थ्री डिफरेंट यूज ऑफ बिल। पहले जो हमारा क्वेश्चन है जैसे डेफिनेशन में आपने देखा होगा क्वेश्चन में हेडिंग दी है, हेडिंग बाय हेडिंग, हेडिंग बाय हेडिंग आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल रहा है। इसमें भी ऐसा ही है, पहली हेडिंग में तीन क्वेश्चन मिले, तीन पॉइंट, दूसरी हेडिंग में आपको ये पार्ट जुड़ेगा डिफरेंट यूज ऑफ बिल। आप बिल के तीन यूज कर सकते हो, क्या अपने पास रखे रहो, बैंक को दे दो, या बैंक को दे दो तीसरी पार्टी, या तीसरे पार्टी को दे दो। अब ध्यान देना, ये तो हो गया किसकी बुक में, सेलर की बुक। अब अगर आप परचेजर बनोगे आपको अपोजिट करना है, ध्यान रखना, अपोजिट मीन डीआर का अपोजिट, सीआर का अपोजिट, परचेज का अपोजिट सेल। ये तीन अपोजिट आप याद रखो, परचेज का सेल, परचेजर का सेलर, रिसीवेबल का टेबल, और जो भी नाम डीआर में लिखे उल्टा चले जाएंगे सीआर, और जो सीआर में लिखे हैं वो कहाँ चले जाएंगे? डीआर। अगर आपको एक की बुक की एंट्री बन गई, दूसरा आपको तीन उल्टा करना है, ध्यान दो, क्या में यहाँ लिखा है? हाँ। डीआर में, तो मैं लिख दूंगा टू राम की बुक में श्याम का नाम, श्याम की बुक में राम का नाम, राम का नाम, और अपोजिट साइड में ध्यान देना, यहाँ डीआर में लिखा था, मैंने कहाँ लिखा? सीआर। अब सेज कहाँ लिखा है? सीआर में, टू की तरफ ना, तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा? हाँ कि ना, या तो मैं इसको वही पूरी तरीके से बताऊं, श्याम ने बेचा इसका मतलब राम, राम ने बेचा यानी श्याम ने खरीदा हो, तो अब श्याम बनो पहले, श्याम ने परचेस किया, पूरा क्वेश्चन उल्टा समझना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या तरीका है? या मैं इसको उल्टा करना चाहूँ, दोबारा क्वेश्चन पढ़ के रिवर्स एंट्री करने से बेहतर है, एंट्री को यही लिखवाया। मैंने क्या किया, सेल्स का उल्टा परचेज, शाम का उल्टा राम, इसको उल्टा करो, कैश भी आर में है तो नीचे भी कैश आ जाएगा, ध्यान से समझना, कैश का कोई अपोजिट नहीं होता, यहाँ श्याम है तो ऊपर क्या आ जाएगा? राम। सीधा तरीका है ये, यहाँ और ये, और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो बेस रिसीवेबल ऊपर लिखा है तो नीचे क्या हो जाएगा? बिल्स टेबल, और राम श्याम का उल्टा। अब एक चीज मुझे बताना, यहाँ तक पहले पहली कंडीशन, राम ने श्याम को सामान बेचा, इससे बैंक को लेना देना है? राम ने श्याम को पैसे दिए, कोई मतलब है इसको बैंक को? नहीं। उसने बिल एक्सेप्ट किया, बैंक को कोई लेना देना नहीं। थर्ड पर्सन गोपाल को कोई मतलब है कि राम श्याम के बीच में क्या बिजनेस हो रहा है? कैश मिल रहा है या बिल आ रहा है, इससे कोई लेना देना? यानी यहाँ तक की कैटेगरी में इन दोनों का कोई काम नहीं। ध्यान देना, इसने बिल इसको लिख के दे दिया, बिल कितने महीने का? तीन महीने बाद का। तीन महीने तक ये बिल अपने पास रखे रहेगा तो क्या श्याम के पेट में दर्द होगा? बिल रखे क्यों? तीन महीने बाद जब वो आएगा पैसा मांगेगा तो हम पैसा दे देंगे। अब अगर राम ने, ध्यान से समझना, राम ने बिल को किसको दे दिया? बैंक को। इसने बिल किसको दे दिया? बैंक को। बैंक को, तो श्याम को कोई मतलब है? नहीं। लेकिन बैंक को तो मतलब है ना, हाँ पैसा लेंगे ना। बैंक का मैं उल्टा एंट्री करो, रिवर्स मारो, ऊपर बैंक है
वो नीचे आ जाएगा, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आ जाएगा, बिहार का क्या हो जाएगा? अब बोलो फिर चलो क्यों रेस्पेक्टली क्यों रहा, समझना कई बात इसके केस में तो चलेगा, पैसा किसको देगा, पैसा कौन पे करेगा, पैसा पे करने वाला केवल एक बंदा है श्याम, बैंक में पैसा किससे लेगा, श्याम से, थर्ड पार्टी के पास भी लोगों को पैसा किससे लेगा, श्याम, पैसा देना एक ही आदमी को, बाकी तीनों लोगों को पैसे लेने आ रहे, बाकी तीनों के लिए बिल रिसीवेबल है और एक के लिए बिल टेबल। अच्छा अरे बोलो बिल गोपाल के पास गया तो श्याम को कोई मतलब नहीं होगा, बैंक को कोई मतलब नहीं होगा, मतलब किसको होगा, थर्ड पार्टी गोपाल को, उल्टा करो वहां से, वहां गोपाल अपने यहाँ क्या आ जाएगा, राम क्या बता रहा, टेबल टेबल केवल एक ही आदमी के लिए होगा श्याम, क्योंकि वो पैसे देगा भाई, इसके बाद बिल है, इसको भी तो पैसे मिलेंगे ना, कि मैंने बात किससे, श्याम, ये कंडीशन बनी दो, पहला नॉर्मली बिल सामान दिखा, कुछ पैसे कैश मिले, बिल बना, अब बिल को आप दो महीने तीन महीने जितने महीने का बिल है या तो अपने पास रखो, या तो बिल कहाँ भेज दो बैंक में, या तो बिल कहाँ दे दो थर्ड पार्टी के पास, इन तीन में से कोई एक कंडीशन क्वेश्चन में मिलेगी, तीनों ने मिली ठीक है, इसकी फोटो खींचो तो उसमें डालो, ए फोटो खींच, इतना खींच देगा हो गया। देखो आप जब ये पूरा नोट रहेगा ना, जब आप सॉल्व करोगे ये सामने रख के करोगे तो आपको धीरे धीरे चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी, नोट हो गया है ना, मिटा दूं, हाँ सर हाँ सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अभी तक अपने क्या सीखा, सामान अपने क्या सीखा था, सामान भेजा, कैश मिला, बिल बना, बिल तीन जगह जा सकता है, अपने पास बैंक को दे दो या थर्ड पार्टी को, अगली कंडीशन जान दो, अगर बिल का पेमेंट हो गया दो महीने बाद, बिल का पेमेंट हो गया बेटा, बातें करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रेम से बाहर जा चुकी है, अब बिल आपके पास है, आपने पेमेंट दिया तीन महीने बाद दो महीने बाद आपको पैसे मिले, सेंटेंस लिखा होगा बिल वॉज मेट, बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट या बिल वॉज पेड ऑन ड्यू डेट में आपको पैसे मिल गए, तो अगर बिल आपके पास रखा हुआ है तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगी और आप वो बिल जो है उसको वापस कर देंगे, पड़ोस ने बैठा के आपके पास कैश आएगा और वो आप बिल जो था सामने वाले को दोगे, वो उस बिल में सील लगाएगा कि पैसा दे दिया गया,
ताकि आप उस बिल को दोबारा लेके उससे पैसे मांगने ना चले। अब ध्यान देना, अगर बिल बैंक के पास है, बात ध्यान से समझना, तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। उससे पैसे मांगने कौन जाएगा? बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक आएगा इसके पास? अभी यहाँ क्या हो रहा है, पैसे पे हो रहे हैं, ना देगा वाली कंडीशन अलग है। पैसे अगर पे हो रहे हैं तो पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को। और व्हाट को? बैंक के पास से क्या जाएगा? बिल। बिल बैंक के पास से चला जाएगा। अगर बिल थर्ड पार्टी के पास, ध्यान से समझना, अगर थर्ड पार्टी के पास बिल है तो ना इसको मतलब है, ना बैंक को मतलब है, मतलब किसको है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को क्या मिलेगा? एंड व्हाट को? जो बिल थर्ड पार्टी के पास रखा हुआ है वो किसके पास चला जाएगा? बैंक परचेजर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बैंक पैसे ले रहा है इससे सेलर को कोई मतलब नहीं है, थर्ड पार्टी पैसा ले रही है इससे सेलर को कोई मतलब। ध्यान से समझना, ये एंट्री और ये एंट्री तीनों सेम है क्योंकि तीनों के पास पैसे आ रहे हैं। इसके में क्या एंट्री होगी? छोटा बहुत पैसे जाने की। इसके पास क्या आया? बिल पेबल आया। और व्हाट गो? कैश। इसके पास से कैश चली। अपोजिट किया, देखो कैश ऊपर था नीचे आ गया, रिसीवेबल यहाँ लिखा था ऊपर चला गया तो टेबल हो। इसका अपोजिट कर लो या इसका अपोजिट कर लो या इसका अपोजिट कर लो, तीनों सेम। ये कंडीशन क्या है? पेमेंट डन, सामने वाले ने पैसे दे दिए। अब है डिसऑनर ऑफ बिल। अगर बिल कैंसिल हो गया, यहां से समझना, कब कैंसिल हुआ? बिल तुम्हारे पास रखा है, तुम सामने वाले के पास पैसे मांगने गए, बोला भैया मेरे पास पैसे पैसा नहीं है, इसके साथ साथ मना कर दिया। ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या? बात समझना, जब वो पैसे देने से मना करेगा आप एक वकील करेंगे, वकील से उसमें एक नोटरी होता है रजिस्टर्ड कराना, आप उसमें लिखवाएंगे पेमेंट कैंसल्ड या पेमेंट नॉट गिवन बाय द परचेजर या पेमेंट नॉट गिवन बाय द श्याम। वो कौन लिखेगा? लॉयर लिखेगा, उसके सील लगाएगा और उस एरिया के दो लोगों की गवाही लेगा, यहाँ सामने वाले ने पैसे देने से मना किया। ये किस चीज पे लिखा होगा? स्टैंप पे। उसके साथ क्या अटैच होगा? आपका बिल, कि सामने वाले पार्टी ने पैसे देने से मना कर दिया। जब ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे? ध्यान से समझना, हम बिल किसको दे देंगे? श्याम को एक कॉपी देंगे नोटिस की, यानी रिसीवर कौन हुआ? श्याम। साथ में क्या लगाएंगे? ध्यान से समझना, बिल लगाएंगे, यानी व्हाट गो फ्रॉम अस, हमारे पास से क्या जाएगा? बिल की एक कॉपी, ओरिजिनल बिल नहीं देंगे, एक कॉपी ऑफ बिल देंगे, साथ में लगाएंगे, ध्यान से समझना, नोटिंग चार्ज, यानी उसके ऊपर जो कोर्ट कचहरी थाने का खर्चा है ना, वो भी हम उसी से वसूल कर देंगे। इसीलिए श्याम के अकाउंट में चला गया, हमको बिल का पैसा भी चाहिए श्याम से और जो कोर्ट का खर्चा हुआ वो भी चाहिए, वकील का खर्चा। इसको इधर क्यों लिखा? आप बोलोगे सर खर्चा है तो डेबिट में लिखो, एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। लेकिन वो खर्चा आपके लिए नहीं, खर्चा किसके लिए? श्याम के लिए। आप तो उस पैसे को किससे ले लोगे? श्याम से। श्याम, वो पैसा आपके एज अ इनकम है ना कि एक्सपेंस, इसलिए यहाँ लिखा। ये कब हो रहा है? जब बिल सामने वाले ने पेमेंट करने से मना कर दिया। आप मेरी बात ध्यान से समझना, इसके पास क्या आएगा? बिल पेबल आया, साथ में क्या लगेगा? नोटिंग चार्ज। और हु इज अ गिवर? राम इज अ गिवर। अभी बिल किसके पास था? श्याम। राम के पास। कैंसिल हुआ, राम ने श्याम को पकड़ाया,
इससे ना तो बैंक को कोई लेना देना है ना तो आधार कार्ड। आप दूसरा पॉइंट समझ लें, अगर मैं बैंक के पास है और बैंक पैसे मांगने गया, ये बात ध्यान से समझना, बिल बैंक के पास आपने भेजा था, बैंक पैसे लेने गया और श्याम ने बोल दिया मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, बात पकड़ना, श्याम ने मना कर दिया मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है, तो अब बैंक क्या करेगा? राम के पास जाए, बैंक क्या करेगा? राम के पास जाए, बिल किसको फेंक के मारेगा? राम को, राम। तो बैंक के लिए रिसीवर कौन हुआ? राम। ध्यान से समझना, बैंक के लिए रिसीवर कौन है? राम। टू, बिल। बिल रिसीवेबल क्यों? बैंक के पास से क्या चला जाएगा? बिल। बिल आएगा यहाँ। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बिल बैंक के पास से आपके पास आया, yes, आपके पास क्या आया? बिल। बिल आया, यस सर। कौन दे रहा है तुमको बिल? बैंक। बैंक, फिर से बात बोलूंगा, अब तुम्हारे पास बिल आया है कैसा? कैंसल्ड। कैंसल, सामने वाले ने पैसे देने से मना किया है। अब आप इस बिल का क्या करोगे? और कोर्ट जाओगे, लेकिन सब स्टैंप लगवाओगे, सामने वाले के बोलों की गवाही लिखवाओगे और वो बिल किसको फिर से फेंक के मारोगे? भैया पैसा ना, मैंने बिल बैंक को दिया था, अपनी तो गुडविल तुमने निपटाई निपटाई, मेरी भी गुडविल निपटा दी, तो वही सेम एंट्री। रिसीवर कौन? श्याम। श्याम अकाउंट डी आर व्हाट गो? बिल। बिल चला जाएगा और साथ में तुम क्या लेंगे? नोटिंग चार्ज। अब इसके वो वही एंट्री होगा क्या? बिल आया, नोटिंग चार्ज लगा, राम से आया, घूम के बिल आया, था किसके पास? बैंक के पास। बैंक इसके पास गया, इसने पैसे देने से मना कर दिया, तो बैंक ने बिल किसको भेजा? आपने वापस किसको दे दिया? जो बैंक है ना उसकी श्याम नहीं सुनेगा, तो वो श्याम का बैंक अकाउंट नहीं, उसको फिकर नहीं कि कौन पैसा लेने आया, जो भी लेने आएगा हम भगा देंगे। जब उसको भगा दिया बैंक को उसने, तो बैंक किसके पास आएगा? और आप वो बिल जाके पाओगे कि भैया पैसा क्यों नहीं दे रहे। अब सेकंड कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी? थर्ड पार्ट, बिल किसके पास है? अगर इसके पास बिल पड़ा हुआ है, तीन में से देखो बता दो, तीन कंडीशन हर जगह मिल रही ना, एग्जाम्पल या क्वेश्चन में तीनों कंडीशन एक साथ नहीं मिलेगी, कोई एक कंडीशन मिलेगी, तो फिर तुम्हारे पास रहेगा या तो बैंक में चला जाएगा या थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा, कंडीशन एक ही मिलनी है, पर समझनी तो तीनों पड़ेगी। अब बिल किसके पास पड़ा हुआ है? गोपाल के पास। गोपाल डेट आई, पैसा मांगने गया श्याम से, श्याम ने क्या बोला? इस दौरान मतलब पैसा नहीं। तो गोपाल वापस आएगा और आपको कौन लगाएगा? भैया श्याम ने पैसे देने से मना कर दिया है, मैं बिल आपके पास भेज रहा हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस करो। इसके लिए रिसीवर कौन हुआ? राम। एंड व्हाट गो? बिल। बिल, बात समझना, अब बिल तुम्हारे पास फिर से वापस आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डी आर किससे आ रहा है? भोपाल के पास। अब आप इस बिल का क्या करोगे? फिर कोर्ट के पास, थर्ड पार्टी को क्या दोगे? कोर्ट के पास। आप फिर से कोर्ट जाओगे, फिर नोटिस लगवाओगे, फिर चप्पा लगवाओगे, गवाही कराओगे और इसके मुंह में फेंक के मारोगे, पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो रिसीवर कौन? श्याम। अकाउंट डी आर टू नोटिंग चार्ज टू बिल, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, बिल टू नोटिंग चार्ज। इसके बुक में सेम एंट्री हो, तीनों कंडीशन में इसके, ये तो स्टैंड पे खड़ा है ना भैया, मेरे को केवल एक आदमी से मतलब है, गोहराम। गोहराम, लेकिन मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ तो मैं केवल एक ही आदमी से ठंडा होने वाला हूँ, जिसको मैं, जिससे मैंने सामान खरीदा। ये क्या हुआ? बिल
पेमेंट हुई और इस कंडीशन में क्या हुआ, बिल का पेमेंट कैंसिल हो गया, सामने वाली पार्टी ने पैसे देने से मना कर। ठीक, यहाँ पे बैंक को लेना देना और इन तीनों कंडीशन में एंट्री सेम। एक बात बोलते हैं, दूसरी बात सिमिलर। एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा गौर से समझो। एक चीज बताओ, यहाँ पर जब बिल तुमने बैंक को भेजा, बैंक ने तुमको पैसे दिए थे, तो बैंक चुपचाप तुमको बिल दे देगा, अपने पैसे नहीं मांगेगा। सोच के देखो, तुमने 1 जनवरी को सामान बेचा, कुछ पैसे कैश लिए, एक बिल बनाया, बाकी का बचा हुआ 80,000 रुपए 2 महीने बाद पेमेंट होगी। अब तुमने वो बिल उठा करके बैंक को दे दिया और बैंक से 78,000 रुपीज दे दिए, 2,000 का डिस्काउंट कर दिया। अब जब 2 महीने बाद डेट आई और बैंक ये पैसा मांगने की, भैया मेरा 80,000 रुपया दो, इसने मना कर दिया, तो बैंक अपने 80,000 रुपए छोड़ देगा क्या? सीधे आपको बिल पकड़ा देगा, बस शांत हो जाएगा। बैंक क्या बोलेगा, अपना बिल पकड़ो और 80,000 दो। तो यहाँ पर कई बार नाम की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, ऐसे ही श्याम के साथ, गोपाल के साथ। गोपाल बोलेगा, भैया पैसा मेरा वापस करो, जो तुम बिल दिए थे पैसे के बदले में, तो पैसे मिल नहीं रहे। यहाँ पर कई बार क्या वर्ड यूज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा। क्वेश्चन में अगर लिखा है रिटर्न, बिल रिटर्न एंड कैश पेड, तो हम कैश पेड, अदरवाइज बिल रिटर्न लिखा तो राम पार्टी का नाम। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये पूरे सेंटेंसेस यूज में आएंगे, तो समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। उस समय आपको ये चार्ट खोल के बैठना पड़ेगा, तब ये समझ जाए। ठीक, फोटो खींची ग्रुप में डालो। चलो, ये क्या हुआ, बिल कैंसिल हो गया। अब आप बिल कैंसिल होने के बाद शांत तो बैठो, कभी शांत वाले से क्या बोलोगे, बैंक चार्ज लगाएगा, वही नोटिंग चार्ज, फाइन लगाएगा, उसको आगे उसमें देखेंगे अगर लगा तो क्या होगा। अभी नॉर्मली चलो, कंडीशन क्या बन रही है, बैंक ने, बैंक के पास हो या आपके पास हो या थर्ड पार्टी के पास हो, बिल हो गया कैंसिल। अब आप सामने वाला मालूम आपसे क्या बोलेगा, या कोर्ट कचहरी का चक्कर ना करो, क्या बोलेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर मत करो, 6-7 महीना साल भर लग जाएगा, तुम्हारा भी खर्चा होगा, मेरा भी खर्चा होगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ध्यान से भैया, रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी बिल का नया बना, बिल क्या बना, नया, पुराना बिल कैंसिल हो गया क्योंकि सामने वाली पार्टी ने पैसे देने से मना कर दिया, आपने बिल उसको फेंक के मार। अब क्या हुआ, अपन को तो पैसे चाहिए ना, सामान बेचा था, उसने बोला था 2 महीने बाद पैसे देंगे, पैसे देने से मना कर दिया, अब पैसा कैसे वसूल कर। ध्यान से समझना, रिन्यूअल ऑफ बिल में पहली होगी कैश, यानी उससे आप बोलोगे 80,000 दे तेरा बात, या तो मेरा सामान वापस कर देते, तो वो सामने वाला आपसे बोलेगा, भैया एक काम करो, क्या एक काम ये करो कि मैं 30,000 रुपए ले लो, बाकी का नया देता। तो आप, हम बोलेंगे अच्छा हमें तो खूब मिले, पहले 2 महीने लटका के रखे, फिर 30,000 दे रहे हैं, अब फिर 30,000 पकड़ा के बोल रहे हो कि अगले 2 महीने बाद देना,
तब हम उससे क्या बोलेंगे, वो भैया अग्रण तुमको ये करना है, तब हम अब हम तुमसे ब्याज लेंगे, इतना पैसा बचेगा, 80,000 में 30,000 तो तुम कैश दे रहे हो, 50 बचेगा, तो 50 बचा उसका हमको 15%, 10%, 20% के हिसाब से इंटरेस्ट, समझ में आई? यस सर। तब हम नया बिल बनाएंगे, अब सामने वाला क्यों बोलेगा हाँ, श्याम हाँ क्यों बोलेगा, श्याम हाँ इसलिए बोलेगा कि भैया वो भी कोर्ट कचहरी से बचना चाहे, क्योंकि अगर वो कोर्ट कचहरी गया तो 6 महीने के लिए अंदर जाएगा, अगर एक बार चेक बाउंस हो और सामने वाला अड़ जाए ना माने तो आप गए 6 महीने, मतलब अड़ जाए कैसे सर, वो बोल दे कि हमको नहीं सेटलमेंट का, अब इसको सजा ही मिल लीजिए, तो पैसे तो लगेंगे लगेंगे, साथ में पेनाल्टी भी लगेगी, तो वहां पे क्या चलता है, सेटलमेंट आउट, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के बाहर आपस में ही सड़क को बीच में मत, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पेमेंट ऑफ कुछ पैसा कैश मिलेगा, ये अपन कल बात करेंगे, उसको रिन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरिंग ऑफ बिल और दिस और इंसॉल्वेंसी, ये तीन टॉपिक पे कल बात, ठीक चले सर।